हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ फाइनली, और यहाँ पे बच्चे और सब जो मतलब सो रहे हैं अभी भी। और क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ तो मैं आप लोग को बता रही हूँ हमारे यहाँ पे जो रिसॉर्ट है उसका गार्डन। तो मुझे बहुत दिनों से बताना था लेकिन सुबह मैं उठ नहीं पा रही थी, तो फाइनली आज मैं उठ गई हूँ और आप लोग को मैं रिसॉर्ट का एक एक प्लांट आपको बताऊंगी। और जो भी नेचर लवर है उनको अच्छा लगेगा। और इसका जो व्लॉग है मैं अलग से डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। ऐसे ना बोलो, बोल दो बैठते ना। हेलो, पहले उधर बैठते थे ना, कितना चाय पीते थे शांति से, इधर बैठ ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। कल हम लोग चले जाएंगे इतने टाइम में हम लोग गोवा निकल गोवा। गोवा गोवा छोड़ देंगे, मतलब निकल जाएंगे, पता नहीं छोड़ देंगे बोल रहे हैं। गोवा क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा लेकिन नहीं भी हो सकते, बच्चे लोग जल्दी नहीं उठते। क्यों? आज गोवा में बहुत ठंडा है, पूरा कार पे ओस गिरा हुआ, पूरा एकदम मॉइस्ट हो गया, मॉइस्चर। हम लोग खड़े खड़े क्यों चाय पी रहे थे ना, दो बैठ के रूम में कोई देखो चेयर ले लेना, बड़ी चेयर ले। धूप धूप आता तो अच्छा होगा ना। बाप रे, उधर चलो चलो चलते हैं। हाँ इधर ही इधर चल चल, तू अपन चाय तो चलो तैयार होकर निकल रहे हैं। साफ कर दिया, मैं स्टैंड ही नहीं लाई, नहीं किया ना, ओस गिरा है उस पर भी। देखो तो गंदा लग गया, पता नहीं ऊपर तो नहीं, वो क्लीन नहीं हुआ है, क्लीन होगा। देखो ना उनके कार के ऊपर कितना पानी गिरा हुआ है ना, तो ये धोना धोने की वजह से नहीं हुआ ना। ड्यू है, हाँ ड्यू है, वॉइस्ट नहीं है, ये मॉइस्चर है। ड्यू ड्यू देखो ना, इसके ऊपर भी ड्यू। कितना ओस, हम लोग का कार बाहर है, चाहिए नेट जो लगा हुआ है ना उसके गाड़ी में। हाँ मैंने स्टैंड नहीं लाई, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? आज हम लोग का प्लानिंग है पंजिम। पंजिम कल गए थे ना, पंजिम में मार्केट देखेंगे ना सुबह सुबह का। गर्म पानी नहीं है तो क्या, कैसे नहाएंगे फिर? रातों गर्म पानी चाहिए हमको, तो हिबिस्कस बहुत ऊपर गया ना एकदम, और ऊपर जाओ, बहुत ऊपर गया। हाँ बहुत ऊपर। और ये पेड़ के बारे में क्या बोल रहे थे, बोलो ना। अरे बोलो ना, ये पेड़ बहुत कमजोर होता है, ये पेड़ बहुत कमजोर होता है, ये वाला बहुत पूरा वाटर के जैसा ही रहता है, इसको थोड़ा सा भी ऐसा फोल्ड करेंगे टूट जाएगा, ये बहुत वीक होता है। और इसके फूल इसमें या तो व्हाइट कलर का होता है या पिंक कलर का, लेकिन बहुत फ्रेग्रेंस होता है, व्हाइट और पिंक कलर का फूल होता है। या तो इसमें व्हाइट होगा या पिंक होगा, लेकिन ये व्हाइट वाला है, मुझे तो मैंने तो मुंबई में देखा है इसको, व्हाइट ही इसमें आता है। इसको बहुत खुशबू होता है उसमें, तो इसे पत्तों में भी खुशबू होगा ना, पत्ते पे कैसे होगा, नहीं होगा। और तुम और क्या बोले थे, उसका हार फूलों का हार बना के टीचर को, स्कूल जब बंद होता था तो हम लोग इसका हार बनाते थे और टीचर को पहनाते थे खुशी से, खुशी से स्कूल बंद होने वाला है इसके लिए, और टीचर लोग खुशी खुशी पहन लेते थे। तो मैं रूम में आ गई हूँ और
यहाँ पे मैंने बोला गाना बज रहा है, तो वो एक लौता टीवी है जो रूम में है और वो उसमें उन लोग गाना सुन रहे हैं। तो पूरे रिसोर्ट एक्चुअली एकदम न्यू रिसोर्ट है, जस्ट इसको 4 महीने हुए, एसी भी नहीं लगा है बहुत सारे, तो हम लोग के इसमें तो एसी है और टीवी नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ टीवी नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर टीवी देखते रहते थे, तो हम लोग को ये 4-5 दिन बिना टीवी के बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो आज है लास्ट डे, देखते हैं आज क्या क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल हो गया हमारा चाय पी के, और क्या मायशा जो है वो मस्त एकदम अभी सो रहे हैं, इनको अभी उठाती हूँ रेडी करके, फिर देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर आप लोग को भी लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। बेटा उठ जाओ माओ, देखो भाई उड़ रही है। नहीं करो नहीं करो। क्या चलो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग निकल रहे हैं। मैं बताऊँ मैं कैसी लग रही हूँ, बताऊँ? एक सेकेंड बताती हूँ। टैन टैन, ओह माय गॉड, हाँ वहाँ पे रखा है बेटा, हाँ जाओ बेटा, सुसु आई, जाओ जाओ, जूते खोल के जाओ। हाँ तो मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ बोल रही हूँ, यहाँ पे जो लीकर बेचते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रही हूँ। अभी देखो, अभी अभी तो पूरी वैसी लगूंगी। क्या मम्मा कैसे लग रहे हैं? हाँ पता है, यहाँ पे ना चींटी है, हम लोगों ने केक लाया था, ब्रेड लाया था ना, उन सब में ना चींटी ने हमला कर दिया, तो हम लोगों ने खा ही नहीं पाए। मैंने चलो चींटी लोग खाओ, ऐश करो। तो मुझे लग रहा है ना, इधर काट रहे उधर काट रहे। अभी देखना, अभी मैं पूरा वैसे ही देखूंगी। क्यों आप मम्मा कैसे लग रहे हैं? रियली मैं ऐसे अपने अरे मुंबई में ऐसे पहन के घूमो, पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। चलिए चलिए निकलते, बहुत लेट हो गया। मैं बोल रही हूँ मुंबई में हमारे एरिया में ऐसे पहन के घूमोगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। काय है तुम्हें, कुटू नाला है, काय करता है तुम्हें, चला पुलिस चौकी, इधर चलता है सब। ड्रग्स वाले लोग चलते हैं ना, ड्रग्स पेडलर, के ड्रग्स पेडलर पागल हो वैसे दिख रहे हो, गजेरी नशेरी दम मारो दम। पर हम लोग कुछ नहीं करते ऐसे। गोवा आके देखो, हम लोग पानी पी रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं, दैट्स इट। चल चले चलो 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 निकलते, बहुत लेट हो गया। अरे चलो यार ऐसे लग रहा है मुझे चींटी काट रहा है, पर चलो फोबिया हो जाता है चींटी का भी ना। चलो हे माइशू, मेरी माइशू ऐसे रेडी हुई है, अच्छी लग रही है। और माइशू ने क्या पहन रही है, ये मैचिंग मैचिंग इयररिंग्स पहन रही है जो उसने लिया था कहाँ से, अपना चर्च, वो चर्च था ना, चर्च और म्यूजियम, उसके बाजू में थे। बेसिलिना ऑफ बॉम जीजस, वहां से। तो मुझे भी जबरदस्ती पहना दिया, देखो अच्छा लग रहा है मैचिंग ना। चलो 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 चलो, चलो, ओके चलो। चलिए। कीज दे देना। हाँ वो चश्मा छोटा है। हे दैट्स माय किया। एंड देखो हाँ उधर ना स्विमिंग पूल में ना पानी कम हो गया, इधर तक आ गया। क्या बात कर रहे हो, देखो कम तो हो ये तो बच्चे लोग को अलग हो गया ना। नहीं, नहीं,
हाँ, पर यहाँ पे उन लोग प्रोसेसिंग, फिर भी आपने संभाल के बाबा। फिर भी क्या नहीं जा सकता, मैं जा सकता। क्या नहीं, देखो बेटा, चलो निकलते हैं अभी। सो गाइस, अब बोलो। पानी का बॉटल है ना, दो बॉटल। सो गाइस, अब हो रहे हैं 10:30 और हम लोग जो है पंजीम की तरफ निकल रहे हैं। और मेरा एक ना फेवरेट फूड है यहाँ पे, जो मैं मिस कर गई हूँ या फिर मुझे मिला नहीं, मतलब मैंने कोशिश किया था, लेकिन हम लोग का जो सुबह है वो 3 दिन यहाँ पे चला गया। हमको 2 दिन हुआ ना, तो वो जो भी 2 दिन थे सुबह वो हम लोग का यही चला गया, तो लंच का टाइम हो गया था। तो आज मैंने बोला है मुझे कैसे भी करके, क्यों आपका ये क्या चश्मा, क्या चश्मा पहना, धूप लगेगा चश्मा में ना। तो मैंने बोला कि आज कुछ भी हो जाए कैसे भी करके मैं वो पाव खाऊंगी नाश्ते में। तो मैं जब भी पहले आती थी गोवा में काम के तरफ से, तो मैं तो इतना ये सब खा लिया, हम मैं थाली खाती थी, ये सब रेस्टोरेंट में मैं नहीं जाती थी, और वो नाश्ते में वो अलग खाती थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला कि अभी मैं वो ट्राई करूंगी, क्योंकि आज है हमारा लास्ट डे, तो चलिए देखते हैं कि मुझे वो पाव खाने को मिलेगा। और एक चीज़, जैसे मुझे फिशेस बहुत पसंद है, और कहीं पे भी मैं जाती हूँ, जैसे कोलकाता हो गया, कहीं पे भी मैं जाती हूँ कोई भी जगह पे, तो मैं पहले फिश मार्केट, और मोइन को पता है जब मैं गोवा में फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे दोनों, तो मैंने क्या बोला, मुझे सबसे पहले फिश मार्केट दिखा, और तब हम लोग पंजीम फिश मार्केट गए थे, और क्या क्या फिश हम लोग को देखने मिला था, मतलब मैं पागल हो रहा था कि इतना अच्छा। और जो मैकरेल था ना, वो जस्ट उन लोग निकाले और वो एकदम शाइन हो रहा था सिल्वर की तरह, मतलब इतना ताजा और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मच्छी देखने में। और बहुत वैरायटी ऑफ फिश है यहाँ पे, जो हम लोग बाहर हमारे वहाँ पे देख नहीं पाते, तो यहाँ पे सारे वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेज देखने मिलते हैं। तो बच्चों को भी आज दिखा पाऊँ, देखते हैं, टाइम 10:30 हो गया है, तो चलिए हम चलते हैं पंजीम। कहाँ जा रहे हैं महिषा? पणजी। पणजी मीन्स कैपिटल ऑफ गोवा। आई नो गाउन। No. गाउन क्या बोलते हैं यहाँ पे गोवा को? गोई। गोई। गोवा। गोवा। आमा कमा। मैं ना पहले माफसा उतरती थी, पहले हमेशा पंजीम, फिर बीच में हम लोग माफसा भी मैं उतरी थी। तो माफसा आया तो मोहिन को पूछा कि किधर है, तो मैं जो पढ़ के मैं बता रही थी मैं मापूसा आई हूँ, मापूसा। तो बोले पापूसा नहीं बोलते, माफसा बोलते हैं, तो लिखा तो मापूसा ही है ना, तो उसको बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। माफसा, मडगांव, पंजीम, कांडालेम, पोरवारेम, और कुछ जगह का नाम बताओ, इतने टाइम से गोवा घूम रहे हैं। और मीरामार, उनके स्टाइल में बोलने को नहीं आ रहा है। आरपोरा, और कौन सा जगह है? वेगेडोर, वेगेडोर, चापोरा, चापोरा, डोनापोला, वागा। और गूगल में कैसे बोलते हैं वो पंजिम का? पणजी नहीं, कलंगुट, कलंगुट, कलंगुट का कलंगुट है। यू राइट नाउ 1 किलोमीटर गोइंग टू कलंगुट है। कलंग काई रहा है यार, 1 किलोमीटर को क्या बताता गूगल? किलोमीटर क्या, किलोमीटर, किलोमीटर। चलिए चलिए देखते हैं, नहीं तो मेरा नाम पूरा मोबाइल भर जाएगा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखते हैं कितना रिकॉर्ड हो पा रहा है। चलिए चलते डायरेक्टली, अभी आपको मैं पंजीम में मिलती हूँ। पंजीम में मिलते हैं, बाय बाय टाटा।
फ्रेंड्स ये देखिए, चलते चलते मेरे बाबू का दांत टूट गया। नाने क्या हो गया? ब्रश नहीं करते इसके लिए टूट रहा है। मेरा पांच दांत टूट गए। कुल्ला कर लो। ऐसे जो हम 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 कर लो। हम 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 हम। चलो आपको पानी पिलाती से लो। मेरे बच्चे के दांत। मेरे हमारे दांत। नहीं ये नहीं था, वो अलग था। तो ये मोहित ने मंगाया है पूरी भाजी और बच्चों ने कुआ में आके खा रहे हैं मसाला डोसा। और मैंने मंगाया है पाव और ये है भाजी। पर मैं वेट कर रही हूँ एक चीज़ का, वो है मेरा फेवरेट पाव, वो अभी तक आया नहीं है। तो ये है हमारा वो खाना पाव। तो गाइस आ गया है वो मेरा पाव। ये है वो पाव, दिस इज द पाव। इस पाव के लिए मैं इतना भटकी हूँ। ये है वो पाव। यही है एकदम गर्म है। अभी एक डिश और बुलाया, नहीं एक चीज बुलाया मैंने। ठीक है मैं आपको टेस्ट करूंगा। ये ले लो। खाओ ना। ये तो मिर्ची है। खाओ ना। हाँ खाओ ना। अंदर तीखा नहीं लगा। तीखा नहीं। उसके साथ खाते हैं, मिक्स करके। मिक्स करके खाते हैं। उसके साथ ही है। वो खाओ और इसको कौन से खाने का? मुझे तो ये पाव ही अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद चाय पी रही हूँ। तो वही होटल का दूध पाउडर, कॉफी पाउडर, शक्कर, वो उसका चाय अलग ही रहती है। ये चाय मुझे बहुत मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट का। नहीं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आए? हम लोग लेट ही निकलते थे ना घर से, घर से लेट निकलते थे इसके, क्योंकि लाइट चली नहीं होती है। जल्दी चलो। दोस्तों मेरा पसंदीदा ब्रेकफास्ट खाने के बाद, मतलब जो गोवन बन आप लोगों ने देखा है, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत दिनों से मुझे खाना था। तो फाइनली वो खाने के बाद वो खुशी आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। तो मैं गई उसके बाद पंजिम के फिश मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट फिश मार्केट इन गोवा। और वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, एक एक फिश जो हमारे यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ऐसा फिश जो हमारे यहाँ पे मैंने देखा नहीं वहाँ पे है। तो सब चीज़ मैंने देखा है, जो भी सी फूड लवर है, जो भी
फिश लवर है, ये व्लॉग जरूर देखना, मैं अलग से बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो बहुत टाइम लगा उसको एक एक फिश को एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और मुझे बताना कि कौन कौन यहाँ पे आया था और किस किस ने वो जो गोवन बन है वो खाया, मुझे कमेंट्स करके बताना। ओह कितनी सारी पाइनएप्पल, चलो। हाँ कितना अच्छा खुशबू आ रहा है पाइनएप्पल का, ड्रैगन फ्रूट। खुशबू अच्छा आ रहा है। वाह है तो वो काटबा क्यों नहीं? एक कट करके देते हैं क्या? नहीं ना, ऐसे लेना। हाँ ये होलसेल है ना पूरा। चलो तो गाइस अभी हम आए हैं गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पणजी रेंज कंपल पणजी। नो एक सेकेंड, ओके। तो ये पंजिम में है, इट्स अ पार्क। तो ओके तो आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। तो गाइस फिश मार्केट कवर करने के बाद ऑलमोस्ट अभी दोपहर हो गया है, और दोपहर के वक्त आप लोग को पता है कि बच्चों को लेके कुछ ऐसे जगह जाओ जहाँ पे उनको भी मज़ा आए और ज़्यादा भी वो थक नहीं जाए मतलब धूप में। तो अगर आप पंजिम में हो, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर योर किड्स एंड इवन योर सेल्फ ऑल्सो। आप बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड दोपहर के टाइम में इससे बेस्ट जगह मुझे नहीं लगता कि पंजिम में कुछ होगा। तो ये है कंफाल गार्डन, और यहाँ पे एक एक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और सब कुछ वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो हम भी मतलब देख के बोलेंगे अरे ये प्लांट इस चीज़ के लिए काम आता है। तो एक एक चीज़, और ये छोटा सा गार्डन नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गार्डन। और जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा कि इतने सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, एंड हम कभी नहीं आए थे, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम यहाँ पे आए। अभी हम पंजिम को कर रहे हैं टाटा बाय बाय, नो टुमारो, कभी अभी पता अभी नहीं। वापस आएंगे ना सीएनजी लेने रात को। इसको दिखाओ ना अभी दिन में कैसा दिख रहा है, और देखिए दिन में ये ब्रिज कैसा दिख रहा है बिना लाइट के, ये देखिए। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी देखिए, इट इज सो ब्यूटीफुल। रात को ये जगह बहुत अच्छा लगता है। उधर को वो सारे फेरीज ना जो क्रॉस कराते हैं, ये पूरा जो क्रॉस कराते हैं फेरी बोट। एंड दिस इज द ब्रिज, पहले ये पुराना ब्रिज था, यहाँ से जाते थे, अभी ये बन गया, बन के बहुत टाइम हो गया इसको भी, हम तब आए थे तभी इसका काम चालू था ना। हाँ तो वो जाने का, अरे वो जाने आने का, ये भी जाने आने का, हाँ, दोनों दोनों। और सीधा अगर तुमको मडगांव उधर जाना है तो उसके लिए था, ये इधर पंजीम जाना है तो अंदर के लिए है। अच्छा अंदर से ट्रेन उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन उधर से आगे से घूमना पड़ता है। सो फाइनली टाटा बाय बाय पणजी। तो पंजीम में अभी कब आएंगे नहीं मालूम, शाम को आएंगे सीएनजी के लिए, लेकिन घूमेंगे सही ना। तो बच्चों कैसे लगा आपको पंजिम? अच्छा लगा। पंजिम में क्या कहाँ कहाँ घूमे? गार्डन, मीरामा बीच, नहीं डोना पोला, नहीं ओहो, और गार्डन कंफाल गार्डन, और कहा मच्छी मार्केट पंजिम का, और पंजिम का हम लोगों ने पाव भी खाया ना, मगर नाश्ता भी करा। अरे अरे लड़का क्यों क्या हुआ? और इतना बड़ा देखो, इसने मेरा हाथ हिला दिया, पूरा वीडियो खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या ना गोवा आके ना क्या पूरा ये बन गया है। और आपको पता है क्या ने क्या क्या ने कुल्फी खाई थी ना, तो क्या ने उसके बाद खाई। अरे इनका चालू ही रहता है। चलिए बाय, मिलती हूँ। सो
सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वैगेटोर बीच, वैगेटोर क्या बोलते हैं उसको, वैगेटोर बीच, वैगेटोर बीच। क्या आप जाओगे बाबू वैगेटोर बीच? हाँ। हमारा होटल ना इसी इसी एरिया में, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब भी आ रहे हैं। तो मैंने बोला क्या, क्योंकि वो अंजुना ये सब है ना, तो मैं बोला बच्चों को ज्यादा घूमना उमना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत फेमस है ये बीच, बागा कलंगुट जैसे तो नहीं है, पर जाके देखते हैं। In 200 meters, turn left to stay on Vagator Beach Road. Okay. तो हम लोग आ गए हैं इसके पार्क में, और वहाँ पे बिरयानी भी है। In 100 meters, turn left. Take the next left. चलिए। दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है, और इतना दिन हो गया है गोवा में और हम लोग अभी भी बीच में नहाए नहीं, और गोवा या बीच में नहीं नहाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आज लास्ट डे है तो आज तो बनता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैगेटोर बीच। हमने सोचा था कि बागा या कलंगुट बीच जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है बहुत अलग है, बट वैगेटोर भी कुछ कम नहीं है, और दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड वेरी पीसफुल बीच। इतना मज़ा आया यहाँ पे, क्यान, मोइन, माइशा, मैं, हम चारों ने यहाँ पे इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, बीच में नहाए। और आपको पता ये टाइम है 3:30, ऑलमोस्ट 3:30 बज रहा है, और हम जब निकले यहाँ से तभी सनसेट हो गया था, और भी टाइम हमने वापस स्पेंड किया। तो इसका पूरा व्लॉग जो है ना मैं अलग से डालूंगी, आपको बिल्कुल भी मिस मत करना, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्लॉग, वो आएगा, आप लोग ज़रूर देखना। मैं तो चेंज कर लेता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब हम लोग मूवी में देखते हैं ऐसे धुआं निकलता है, फिर सन्नाटा होता है, फिर चुड़ैल आती है, बेचारे गाय लोग को भगा रहे हैं। वो भुट्टे, वो भुट्टे का कवर खा सकते हैं ना। हे माइशा, कैन डू इट फास्ट, गॉड ब्लेस यू। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम रिसोर्ट पहुंच गए हैं, और मैं पूरी भीगी हूँ, और मोहिम भी, सिर्फ यही है कि बस कैसे भी तो रूम में जाए और शावर ले। एकदम जनवरी का महीना है और पूरे गीले, इतना ठंडी लग रहा है, और रूम का चाबी नहीं हमारे पास, तो मैंने बच्चों को भेजा रिसेप्शन में जाके चाबी लेके आने, और लिटरली ना मैं बोल रही हूँ ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल में ना मैं कूद जाऊँ, लेकिन ये पानी उससे भी ज़्यादा ठंडा है। तो अभी देखिए म्यूज़िक बज रहा है रिसेप्शन में। कर रहे गोवा में अभी जिधर म्यूजिक मिल रहा है वहां पे डांस कर रहे हैं। थैंक यू। मैं क्या बोल रही हूँ, चलते हैं। चप्पल बाहर ही रखे हो ना बच्चों? क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो गलत है ना, बोल के गया उसको, नहीं किया है तो ओ माय गॉड, नहीं किया है ये, चींटी लोग ने खा लिया, और ये भी ऐसे रखा हुआ है, ये तो गलत है ना। हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं गोवा में, हमारा लास्ट डिनर, क्योंकि कल सुबह सुबह हम निकलने वाले हैं। तो अभी लगभग 9 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में हमको खाना मिल रहा है जैसे हमको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम पंजिम भी जाने वाले हैं CNG के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए।
गाइस हम फिर से वही आनंद सी फूड रेस्टोरेंट आए थे और हमारे दिमाग में यही था कि हम लोग थाली खाएंगे, तो हमने उनको बोला कि थाली, तो बोला रात को थाली नहीं मिलता, थाली सिर्फ दोपहर को मिलता है। तो फिर फाइनली हमको कोई अलग चॉइस मिला मंगाने को एंड वी हैव ऑर्डर चिकन तंदूरी एंड थैंक्स गॉड की थाली नहीं था, नहीं तो हम इतना अच्छा टेस्ट मिस कर जाते, इतना प्यारा। और बच्चों के लिए वही दाल चावल, दिस इज़ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। और चिकन तंदूरी मतलब इतना अच्छा था, और इसका और एक हमने चिकन का एक ग्रेवी मतलब एक सालन और तंदूरी रोटी मंगाया था, मतलब ये उससे भी अच्छा। अब जब भी जाओगे ना आनंद रेस्टोरेंट ज़रूर जाना एंड ट्राई दिस फूड, वर्थ प्राइस, इतना वर्थ है। एंड इसका जो स्वाद है ऑसम, मेरा देखो स्माइल, बहुत मज़ा आया खा के यार, रियली। क्या हुआ बेटा, कैंस हो गया? हाँ। जगह आपके लिए नहीं बिल्कुल भी बैठने को? मायशो भी सोएगी? कैसे सोएगी, जगह तो है नहीं, छोटा गाली है। कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट कर लो बेटा, ऐसे सोना ऐसे तो। भाई है ना बाबू छोटा, थक गया ना बीच में नहा के, आज बहुत बदमाशी के बीच में इन लोगों ने थक गए। और हम लोग इतना दूर से वेगेटोर है ना, वेगेटोर के यहाँ से हम लोग आए हैं पंजिम CNG भरने के लिए। वहाँ पे है क्या नहीं पता नहीं, पर हमको पता है कि यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग इतना दूर आए और हम लोग को 11 बज गया अभी, तो हम लोग को लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग को लकीली मिल गया कल, क्योंकि हम लोग कल सुबह सुबह जल्दी निकलना है, तो इस तरफ तो आना नहीं रहेगा। तो अगर इनकेस नहीं मिला तो इसलिए भर दे रहे CNG। कल जाएंगे मुंबई अपने घर। आर यू एक्साइटेड? यस। स्कूल फ्रेंड्स मिलेंगे? यस। ना बाबू, चलो चलिए फ्रेंड्स, सो गुड नाइट।